हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरबीआई रिपोर्ट से खुली मोदी के झूठ के दावे की पोल। नोटबंदी के बाद 50 गुना तक बढ़ी 2000 और 500 रुपए की जाली करेंसी। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 2000 रुपए मूल्य वर्ग में नकली नोटों की संख्या में 28 गुना इजाफा हुआ तो 500 रुपए के मूल्य वर्ग में करीब 50 गुना इजाफा। बुधवार को सामने आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के कई दावों पर पानी फेर दिया। काले धन के मामले के साथ साथ नकली मुद्रा पर भी आरबीआई ने कई तथ्य पेश किए। केंद्रीय बैंक ने बताया कि नोटबंदी के दौरान 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया और इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंक के पास वापस आ चुके हैं। मतलब केवल 13,000 करोड़ रुपए ही बैंकों में वापस नहीं आ सके, यानी कि प्रतिबंध किए गए नोटों के 1% से भी कम। नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के 99.3% नोट वापस आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया था कि नोटबंदी से नकली मुद्रा का धंधा चौपट ही हो जाएगा। वहीं आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नए नोटों में नकली नोटों की संख्या तेजी से बढ़ चुकी है। पिछले सालों के मुकाबले देश में वर्ष 2017-18 के वित्तीय वर्ष में छोटे मूल्य वर्ग के नकली नोट भी बेतहाशा बढ़ गए। हालांकि आरबीआई ने इस वर्ष नए नोटों में नए सुरक्षा फीचर का हवाला दिया, लेकिन नकली नोटों में नए मूल्य वर्ग की संख्या वृद्धि डरा रही है। 2000 रुपए मूल्य वर्ग में नकली नोटों की संख्या में 28 गुना इजाफा हुआ तो वहीं 500 रुपए के नोट में करीब 50 गुना का इजाफा हो गया। संख्या वृद्धि यही डराती है। 100 रुपए के जाली नोट पहचान में 35% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि 50 रुपए के जाली नोट में 154.3% बढ़ चुकी है। आरबीआई की सर्वे ने खोली मोदी के अच्छे दिनों की पोल। 2014 के मुकाबले खराब हुए आर्थिक हालात। भारत का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। अब देश को सोचना होगा कि कैसा पीएम चाहिए, भाषण देने वाला या चुपचाप काम करने वाला। नोटबंदी को लेकर आरबीआई के जो अंतिम आंकड़े सामने आए, उन्होंने मोदी सरकार के नोटबंदी के कदम को गलत तो बता ही दिया, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि प्रतिबंधित 99.3% नोट बैंकों में वापस आ गए। 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से टेलीविजन स्क्रीन पर आ जाते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार ने नोटबंदी का कदम उठा दिया, यानी 500 और 1000 रुपए के तत्कालीन चलन के नोट बंद कर दिए गए। इसका मकसद वो काले धन पर सख्त कदम उठाना और देश के उसका खात्मा करना बताते हैं। उस लंबे भाषण में वो कई दावे करते हैं, जैसे इस कदम के बाद काला धन बैंकों में वापस नहीं आएगा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, मुद्रा ना होने से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और देश में नकली मुद्रा का धंधा ठप हो जाएगा। नोटबंदी के ठीक 15 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में खड़े होकर नोटबंदी को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताते हैं। वो ये दावा करते हैं कि इस कदम से काले धन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नकली मुद्रा फिर से बाजार में आ जाएगी, इससे देश की जीडीपी गिरेगी और लाखों लोग संख्या में बेरोजगार होंगे। नोटबंदी के 2 दिन बाद ही कर्नाटक में नए शुरू हुए 2000 के नकली नोट पकड़ लिए जाते हैं। ये खबर पीएम मोदी के नकली मुद्रा के धंधे को खत्म करने के दावे पर भी पानी फेर देती है। नोटबंदी के 6 महीने बाद जब जीडीपी के आंकड़े सामने आते हैं तो जीडीपी 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई। जीडीपी गिरकर 6.1% पर आ गई, जो इसी तिमाही में पिछले साल 7.6% थी। अगस्त 2018 में एक आरबीआई रिपोर्ट में सामने आया कि नोटबंदी से देश के छोटे व्यवसायों को 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया और अब आरबीआई ने प्रतिबंधित नोटों की गिनती खत्म कर बताया कि नोटबंदी के दौरान 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया और इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों में वापस आ गए। मतलब केवल 13,000 करोड़ रुपए ही बैंकों में वापस नहीं आ सके, यानी कि प्रतिबंध किए गए नोटों में से 1% से भी कम। नोटबंदी के दौरान बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट के 99.3% नोट वापस आ गए। आरबीआई ने ये जानकारी बुधवार को जारी कर अपनी एक रिपोर्ट में दी। ये सभी जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी के दावों को झूठ साबित करती हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दावों को सही। इससे ये भी पता चलता है कि नोटबंदी को कितनी कम तैयारी के साथ अंजाम दिया गया कि सरकार उससे होने वाली तबाही का अंदाजा तक नहीं लगा सकी, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मात्र 15 दिनों में नोटबंदी से भविष्य में बनने वाली स्थिति का आकलन कर उसे राज्यसभा में बता दिया था। एक दावा जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने किया था कि नोटबंदी भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, इसके लिए कुछ चीजों को देखा गया। मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि वो उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को उनका करीबी भी कहा जाता है।
नोटबंदी के बाद जब 2017 में विश्व उद्योगपतियों पर फोर्ब्स की लिस्ट सामने आती है तो उसमें पता चला कि मुकेश अंबानी की संपत्ति उस वर्ष 76.3% की वृद्धि हुई और वो विश्व के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वहीं उनके बाद भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति गौतम अडानी की बढ़ गई। उस साल उनकी संपत्ति 40% तक बढ़ गई। कांग्रेस सांसद सिंधिया बोले, जो बात हम संसद से सड़क तक कहते आ रहे हैं कि ये नोटबंदी एक गलत फैसला है, वो अब आखिरात साबित हो गया। मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। ये बात 29 अगस्त को आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता देती है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 99.3% रुपए उसके पास वापस आ चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर सीधा सवाल ये उठता है कि कालाधन कहाँ बचा, जबकि दावे कालाधन खत्म हो जाएगा ये किए गए। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को पूरी तरह से तर्कहीन फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट से ये साबित भी हो गया। सिंधिया ने कहा कि जो बात हम लगातार संसद से लेकर सड़क तक कहते आ रहे हैं कि नोटबंदी एक गलत फैसला है, वो अब साबित हो चुका है। गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी संसद की वीडियो फेसबुक पर शेयर की और बोला, पूरी दुनिया में किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं बनाई जिससे मासूम जनता की जान चली जाए। आपने मोदी सरकार कर दिया ऐलान बिना किसी प्लान। वहीं जब आरबीआई की रिपोर्ट में 99.3% पैसा वापस आ गया, पूरे देश को लाइन में खड़ा करके देशभक्ति के नाम पर लगभग 150 लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि उन निर्दोष लोगों को कातिल कौन है। सवाल ये भी है, कहां गए पीएम नरेंद्र मोदी के वो दावे जिसमें कालाधन खत्म करने की बात कही गई, नक्सलियों और आतंकवादियों की कमर टूट जाने की बात कही गई। सवाल बहुत है, लेकिन बीजेपी इन सवालों से बचती फिर रही है। नोटबंदी के आंकड़ों पर सवाल ना पूछे जाएं, इसलिए बीजेपी इससे भटकने के लिए नए मुद्दों को हवा दे रही है। बता दें कि आरबीआई ने नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस आए नोटों की गिनती पूरी कर ली है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि नोटबंदी के दौरान 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था और इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आ चुके हैं। नोटबंदी की आड़ में एक बड़े घोटाले से इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम भाई ने रक्षाबंधन पर किया दलित बहन का बलात्कार, दीपक शर्मा ने फैलाई फेक न्यूज, FIR दर्ज। दंगाई दलित मुस्लिम में नफरत फैलाने का काम शुरू कर चुके हैं। रक्षाबंधन पर बलात्कार वाली फर्जी पोस्ट पर FIR दर्ज हुई। हालांकि मुख्य साजिशकर्ता दीपक शर्मा पर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश में अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, वैसे वैसे सड़क से सोशल मीडिया तक सांप्रदायिक घटनाएं और उसे फैलाने वाली खबरें बढ़ जाती हैं। इन खबरों में सबसे ज्यादा होती है फेक न्यूज, और एक पहचान ये भी है कि एक विशेष विचारधारा और पार्टी से संबंधित और उनको समर्थन देने वाले लोग इसे फैलाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक माने जाते हैं दीपक शर्मा। दीपक शर्मा पर सांप्रदायिकता फैलाने और एक धर्म विशेष के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कई आरोप हैं। उन्होंने 28 अगस्त को कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की, जिसमें एक लड़की टोपी पहने एक शख्स को राखी बांध रही है। दूसरी तस्वीर में कथित रूप से वही लड़की जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ी है। दीपक शर्मा ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के गोंडा में दलित लड़की नीरू गौतम ने कांग्रेस के गफूर खान को राखी बांधी, लेकिन बाद में गफूर ने उसे अपने घर बुलाकर उसका बलात्कार किया। ये पोस्ट एक विशेष धर्म के खिलाफ था, तो इसकी सच्चाई जाने बिना ही इसे 7,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। बाद में एक SK अंसारी नाम के ट्विटर हैंडल ने उत्तर प्रदेश पुलिस को ट्विटर पर टैग कर पूछा कि क्या ये खबर सही है। घटना गोंडा की थी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोंडा पुलिस को भी टैग करते हुए खबर के लिए जाँच के लिए कहा। जांच के बाद गोंडा पुलिस ने खंडन पत्र जारी करते हुए कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और इसकी उनकी मीडिया सेल ने जांच भी की, साथ ही इस नाम के लोग गोंडा में रहते ही नहीं है। गोंडा पुलिस ने कहा, नीरू गौतम नामक महिला का कांग्रेस नेता गफूर खान बलात्कार करना पूर्णतः असत्य और निराधार है। रक्षाबंधन के दिन जनपद गोंडा के किसी थाने में इस प्रकार की किसी घटना का होना नहीं पाया गया और न पोस्ट में संदर्भित महिला और कांग्रेस नेता जनपद गोंडा के किसी थाना क्षेत्र में निवास करता है। अब उत्तर प्रदेश के GDP OP सिंह ने कोमल नाम के एक ट्विटर हैंडल के खिलाफ FIR दायर करके कहा और आदेश दिया कि इस तस्वीरों को उसी झूठी खबर के साथ पोस्ट किया गया है, तो ये बात साबित होगी कि ये जानकारी पूरी तरह से गलत थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी भी इसे फैलाने वाले मुख्य शख्स दीपक शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर यूपी पुलिस इस गलत खबर के आधार पर FIR कर रही है तो फिर इसके दायरे में दीपक शर्मा भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने ही नफरत फैलाने वाले इस झूठ को पोस्ट किया था। इस तरह की खबरों के लिए कहा जा रहा है कि ये सब उत्तर प्रदेश में दलित मुस्लिम एकता तोड़ने के लिए किया गया, इसलिए ही वो लोग जो मनुस्मृति और जातिवाद के समर्थक हैं, जिनकी आंखों में आरक्षण छुपता है, वही लोग इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश में जो हालिया उपचुनाव हुए उसमें भाजपा नाकाम रही। सपा और बसपा के गठबंधन ने भाजपा को राज्य में पटकनी दी, क्योंकि राज्य में दलितों की संख्या राज्य की आबादी का 21% है और मुस्लिमों की 29% और मुस्लिम यानी 40% आबादी एक रहेंगे तो बीजेपी के लिए मुसीबत होनी ही है। इस लिहाज से भाजपा को राज्य की सत्ता हाथ से निकलती दिख रही है, इसलिए उनके समर्थक इस तरह की नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अदालत से पहले ही दैनिक जागरण ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को साजिशकर्ता घोषित कर दिया, ये अखबार है या बीजेपी का मुखपत्र। दैनिक जागरण की हेडलाइन देखकर लगता है इसने अदालत से पहले ही आरोपियों को दोषी मान लिया। पिछले दिनों गिरफ्तार हुए पत्रकार, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता पीएम मोदी की हत्या करने वाले थे, ऐसा कहना है देश में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार यानी कि दैनिक जागरण का, जिसने जम्मू में हुए कथा बलात्कार को बलात्कार ही नहीं माना। इस बार जागरण ने पत्रकारों को मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को पीएम मोदी की हत्या का साजिश रचने वाला ही बता दिया। दैनिक जागरण की इस खबर पर नजर डालें तो खबर का शीर्षक बिना किसी प्रश्न चिन्ह के लिखा गया, मोदी की हत्या की साजिश में 5 गिरफ्तार। हालांकि कानून में ये महज एक आरोप है और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने सबूत पेश किए तो कोर्ट ने सबूतों का अभाव बताकर सरकार से इस मामले में और सबूत पेश करने के लिए कहा। मगर दैनिक जागरण की इस भाषा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अखबार कैसे सरकार द्वारा कहे गए शब्दों पर काम कर रहा है। पुणे पुलिस को इस मामले में कोर्ट में पेश करना है, जिससे ये तय हुआ कि वो आरोपी है या फिर अपराधी। जागरण की इस भाषा पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आपत्ति दर्ज की। सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, हिंदुस्तान की प्रमुख हिंदी दैनिक की ये भाषा का यकीन करने योग्य है कि बगैर किसी प्रमाण के इतना बड़ा आरोप लगाना और भाजपा का मकसद पूरा करना मीडिया का काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।